राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर मतदान 7 दिसंबर को होगा। यूं तो सभी सीटों पर मुकाबला काफी कांटे का माना जा रहा है, लेकिन राजस्थान की 2 सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एक झालरापाटन, जहां से राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी सीट है टोंक, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार सचिन पायलट मैदान में हैं। पायलट के खिलाफ बीजेपी ने राज्य में एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी यूनुस खान को चुना है। यूनुस के मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। टोंक सीट से सचिन पायलट के चुनाव लड़ने के साथ ही ये सीट अचानक ही सुर्खियों में आ गई है। टोंक के इतिहास में ये पहला मौका है जब यहाँ कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवार का सामना बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार से हो रहा है। यहाँ का मतदाता इस बात से खुश दिख रहा है कि पहली बार टोंक से कोई इतना बड़ा नाम मैदान में आया है, और लंबे समय से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे टोंक के विकास के लिए अच्छा अवसर है। टोंक के अधिकांश कल कारखाने पिछले 2 दशक में एक के बाद एक करके बंद हो गए। नदी किनारे बसे टोंक में बजरी के सहारे कई लोगों को काम मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जिससे पिछले 2 दशक में 70,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, जिस कारण पिछड़ापन और बेरोजगारी यहां मुख्य मुद्दा है। लेकिन अब टोंक को उम्मीद दिखाई देने लगी है। सचिन पायलट के नामांकन में उमड़ी भीड़ उसकी तस्दीक भी करती है, लेकिन भीड़ से वोट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब यदि बात टोंक के जातिगत समीकरणों की करें तो क्षेत्र में सबसे ज्यादा लगभग 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद 30,000 करीब गुर्जर, 20,000 माली और बैरवा हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या देखते हुए बीजेपी ने अंतिम समय में अपने विधायक का टिकट काटकर यूनुस खान को मैदान में उतार दिया। इसे बीजेपी की मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश कम, जबकि पायलट को घेरने की कवायद ज्यादा दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के रामपाल जाट, बसपा के मोहम्मद अली, शिवसेना के पांचू लाला सैनी, अभिनव पार्टी के मुकेश चौधरी सहित कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। शुरुआत में पायलट को कुछ बढ़त मिलती हुई तो दिख रही है, लेकिन मुकाबला काफी कांटे का माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।